कि लिव इन द मोमेंट। आजकल जेन ज़ी जनरेशन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है कि हर मोमेंट एंजॉय करना चाहिए, लिव इन द मोमेंट। इसी बात को ना एक ट्रॉय मूवी है उसका बहुत प्यारा डायलॉग है, उसने इसी बात को इतनी प्यारी तरीके से कहा है कि द गॉड एनवी अस, दे एनवी अस बिकॉज वी आर मॉर्टल, बिकॉज एनी मोमेंट कैन बी आर लास्ट, एवरीथिंग इज मोर ब्यूटिफुल बिकॉज वी आर डूम्ड, यू विल नेवर बी लवलियर देन यू आर नाउ एंड वी विल नेवर बी हेयर अगेन। और इसी बात को ना एक हिंदी के शायर ने और प्यारे तरीके से कहा है कि वक्त का कहना है कि मैं कल फिर नहीं आऊँगा, कि वक्त का कहना है कि मैं कल फिर नहीं आऊँगा, मुझे खुद नहीं पता कि तुझे हंसाऊँगा या रुलाऊँगा, कि वक्त का कहना है कि मैं कल फिर नहीं आऊँगा, मुझे खुद नहीं पता कि तुझे हंसाऊँगा या रुलाऊँगा, और जितना जीना है इस पल को जी ले, क्योंकि मैं खुद भी इस पल को अगले पल तक रोक नहीं पाऊंगा। तो एक कहानी कह लें छोटी सी। तो कहानी शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो कहानी है ये मेरी नहीं किसी और की है, ये कहानी मेरी नहीं किसी और की है, न जाने क्यों जानता हूँ मैं इतना इस शख्स को। तो आजकल मतलब एक कोट हम सुनते ना, इफ़ यू डू गुड, गुड कम्स टू यू, पर आजकल बिल्कुल इसका उल्टा नहीं होता कि जो लोग सच्चे हैं, दिल के साफ हैं, अच्छे हैं, उन्हीं के साथ गलत हो रहा होता है, और जो चलाक हैं, तेज़ हैं, वो ऐसा लगता है उन्हीं की दुनिया है, वही खुश हैं, उन्हीं के साथ सब हो रहा है। फिर उस पर ये वाली लाइन कि इफ़ यू डू गुड, गुड कम्स टू यू। मानता था मैं पहले ये, मुझे भी ऐसा लगता था, बच्चों सा दिल था मेरा शायद, हाँ शायद इसलिए ऐसा लगता था। माँ की सिखाई सीख थी एक, उसने कहा था वो देखता है ऊपर से सभी को, जब हम परेशान होते हैं ना वो बेचता है किसी को। पर खैर उस वक्त जिंदगी को इतने करीब से न समझा था न जाना था, मुझे तो हर शख्स में कुछ अच्छा दिखता था, हुई एक उम्र से मुलाकात तो ये समझा ये जाना, कितना नादान था वो लड़का, उसे तो हर शख्स अपना लगता था। हाँ हाँ हो गया है वो भी इस दुनिया के लिए तैयार, अब उन्हीं की भाषा बोलता है, मन में चाहे लाख कड़वाहट हो पर मुंह पर मीठा बोलता है। अच्छा नहीं लगता उसको भी ऐसा बनकर, ये बात वो खुद भी मानता है, पर नियम है ये कुछ दुनिया के, अब वो ये बात बखूबी जानता है। पर एक रोज़ कुछ हुआ उसके साथ, निकला था एक रोज़ अपने दफ्तर के लिए, न जाने कहाँ कैसे वो लड़का भागता हुआ आया और मैं गाड़ी के शीशे से टकरा गया, शायद भूखा गरीब परेशान था बेचारा, रोते रोते मेरे पास आ गया, मांग रहा था कुछ खाने को, मैंने भी हाथ झटक कर उसे भगा दिया, पर इस मरतबा कुछ अलग हुआ, कुछ तो अलग हुआ इस मरतबा, एक ऐसा हुआ था सुने हुए, पर इस बार दिल से आवाज़ आई, देख वो छोटा सा लड़का तेरे पास से भूखा जा रहा है, देख वो छोटा सा लड़का तेरे पास से भूखा जा रहा है। दिल ने इस बार बड़ी जोर से चीखकर कहा, क्या था तू, क्या बनता जा रहा है। रुक कर कोने में मैं धीरे से उसके पास गया, देकर अपना टिफिन कहा कि जाओ ये खा लेना, कुछ पैसे दिए और कहा ये जूते भी फट गए हैं इन्हें भी सिला लेना। शुक्रिया। उसके थोड़े दूर जाते ही मुझे याद आया कि रोटी तो मेरे बस्ते में ही रह गई, खाली सब्जी वो कहाँ ही ले जाएगा, बिना रोटी के बेचारा खाना कैसे खाएगा। मैं गया कुछ दूर उसके पास, अचानक मैंने अपना टिफिन उसे किसी और को पकड़ाते देखा, शायद शायद छोटी बहन थी उसकी, वो टिफिन उसके बस्ते में रख कर उसे जिप लगाते देगा। उसने कहा, जाकर अब ये आराम से टिफिन खा लेना, तुम भूखे पेट रहना मत, मैं रात को भी कुछ ला दूंगा, तुम कल की तरह रोना मत। बड़े प्यार से, बड़ी मासूमियत से उस लड़की ने कहा, भैया आप कहाँ से लाए ये, आपने परेशान तो नहीं किया ना किसी को। उसने मुस्कुरा कर कहा, मेरी गुड़िया बोला था ना तुझे, वो देखता है ऊपर से, उसी ने भेजा था किसी को। इफ़ यू डू गुड, गुड कम्स टू यू। करेक्शन, इफ़ यू डू गुड यू फील द गुडनेस विद इन यू एंड दैट्स इनफ टू मेक यू फील हैप्पी।